Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. मेरा हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है? आता है? आ रहा है बच्चे लोग को? हालेलुया. ये बच्चे लोग आप लोग से, आप बड़े लोग से अच्छा है, कितना जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देता है. हालेलुया. आज देखेगा कौन ज्यादा अच्छा से जवाब देता है. बच्चे लोग अच्छा से ज्यादा जवाब देता है कि बड़ा लोग जवाब देता है, देखेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. अभी हम लोग इतना समय से हम लोग विश्वास का बारे में सुन रहा था, है ना? विश्वास पता है ना? विश्वास, विश्वास मतलब पता है ना? पता है. गुड गुड. आज हम लोग, आप लोग हो सकता है बहुत सारा रिट्रीट में पहले गया होगा. गया है ना? है ना? तो ये जो रिट्रीट है ना, आज जो हम लोग सिखाने वाला है, ये रिट्रीट थोड़ा अलग है. हो सकता है बाकी पहले जो रिट्रीट आप लोग जिसमें गया उसमें आपको बात करने के लिए नहीं बोला गया. हो सकता है बोला होगा चुपचाप से सुनना, है ना? लेकिन ये थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे हम लोग बात करके सीखता है. समझ में आया? आपको आपका पड़ोसी से बात नहीं करना है, आपको मेरे से बात करना है और मैं आपसे बात करूंगी. ये है रूल. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. तो हम लोग सब अपना आंख को थोड़ा देर के लिए बंद करेगा, सब कोई, बच्चे लोग भी थोड़ा देर के लिए, और प्रार्थना करेंगे. ठीक है? सब आंखों को बंद कीजिए, सब कोई, और मेरे साथ साथ बोलना जो मैं बोल रही हूं. सब एक साथ कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने हम सबको यहाँ पर हमारा नाम लेके बुलाया है. हम यहाँ गलती से नहीं आया है, लेकिन आपने हमको यहाँ पे बुलाया है और लेके आया है, ताकि हम आपका वचन सुन सके, समझ सके. स्वर्गीय पिता, हम लोगों को नहीं पता कि आपका वचन में कितना पावर है, लेकिन आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा का द्वारा हम सबको ये सच्चाई सिखाने वाला है. हम विश्वास करते हैं, मेरा पूरा ध्यान आज आपने आपके वचनों पर टिका के रखा है. स्वर्गीय पिता, आज हम आपसे बात करेंगे और आपके बातों को भी सुनेंगे. यह प्रार्थना हम विश्वास से मांगते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया है. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. प्रभु को जोरदार एक ताली मारेंगे. वेरी गुड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. अभी हम लोग वो वचन में सीख रहे थे थोड़ी देर पहले कि इब्राहिम का पास में कोई बच्चा नहीं था. यहाँ पे ऐसा कोई माँ है जिसका पास, जिसका बच्चा बहुत साल के बाद में जन्म लिया है? कोई ऐसा माँ? हाँ, ओ बहन, सिस्टर, आप हिंदी जानते हैं? हिंदी समझते हैं? हालेलुया. ओके,
अभी देखो देखो मैंने क्या बोला था, हेलो मेरे सिस्टर्स लोग, मैंने क्या बोला था, बातचीत आपका पड़ोसी से नहीं करना है, बातचीत मेरे से करना है और हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। हालेलुया। आप लोग का लाइफ, आप लोग उनका जीवन में तकलीफ है, है ना, हाँ, तो तकलीफ से कैसे छुटकारा पाना है वो सीखना है या फिर एक दूसरे से बात करना है। एक दूसरे से बात करके ही हम लोग अपना जीवन को तकलीफ में लेके आया है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है हम लोग सब कोई एक दूसरे के साथ में डिस्कस करता है, एक दूसरे को बताता है और इसी का वजह से हमारा जो जीवन में तकलीफ है, जो परेशानी है वो खत्म नहीं हो रहा है और वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हो रहा है ऐसा अरुणाचल प्रदेश में, हो रहा है। हालेलुया। तो सीखना है कि कैसे हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, सीखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी वो बहन का जो बच्चा हुआ है वो बहुत सालों के बाद हुआ है ना। तो मान लो अगर आपके पास में आपका बच्चा है जो इतने सालों के बाद पैदा हुआ है और कोई आपको बोलता है आप वो बच्चा का बलिदान दे दो, आप वो बच्चा का बलि चढ़ा दो, क्या आप उसको करेंगे? नहीं करेगा। ओ माँ क्या बोलेगी, जो बोल रहे हो उसको कि मेरा बच्चा का, तुम अपना बच्चा का बलि चढ़ा दो, ओ माँ अपना बच्चा को छोड़ के सबसे पहले वो आदमी का गला दबाएगी, है ना। तुम कैसे ऐसा बोल सकता है? लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम क्या परमेश्वर का बात को सुना? हाँ, परमेश्वर ने, इब्राहिम ने परमेश्वर का बात को सुना या किसी ने उसको जो कुछ कहा उसको सुना? किसका बात को सुना? सबको एक साथ बोलो, इब्राहिम ने, जोर से बोलना, इब्राहिम ने परमेश्वर का बात को सुना। अभी हम लोग हर दिन किसका बात को सुनता है? एक दूसरे का बात को सुनता है कि परमेश्वर ने जो कहा उसको हम सुनता है? परमेश्वर का बात सुनता है। अगर परमेश्वर का बात सुनता है तो बताओ परमेश्वर क्या बोलता है? पकड़ा गया। हालेलुया। देखो हम आप लोगों को ये इसलिए बता रहा है क्योंकि हम दोनों का, वो ब्रदर जो अभी सिखा रहा था और मैं, हम दोनों का जीवन में बहुत सारा तकलीफ था, बहुत तरह का, और इतना तकलीफ ज़्यादा था कि हम लोग से खास करके मेरे से वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तकलीफ कभी जाने का नाम नहीं ले रहा था और मैं इतना थक गई थी उस समस्या से, वो तकलीफ से, कि मैंने अपना जान खत्म करने का दो बार कोशिश किया, दो बार आत्महत्या करने का कोशिश किया। क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर हम आत्महत्या हम करेंगे तो हमारा जो भी तकलीफ है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, रोना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आता है ऐसा मन में ख्याल आप लोगों का? नहीं आता लगता सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम सिटी वाले, हम लोगों का थोड़ा हिला है, ऐसा है क्या यहाँ पे होता है? हालेलुया। हम लोगों का जीवन, मेरा जीवन, हम लोगों का जीवन बिल्कुल खराब रास्ते पे चल रहा था। एक का बाद एक समस्या, एक बीमारी का बाद दूसरा बीमारी, एक बीमारी जाता नहीं दूसरा आ जाता, अपना दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तबीयत खराब, पढ़ाई में कमजोर, हर क्लास में फेल हो जाती थी मैं,
जब उस व्यक्ति का सोच बदलता है, वो व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर है। हालेलुया। अभी हम आप लोगों को ये वचन इसलिए सिखा रहा है, हम आप लोगों को और कुछ नहीं सिखा रहा है, हम आप लोगों को ये वचन इसलिए सिखा रहा है क्योंकि आज अगर आप हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं जिंदा, ठीक से खड़ा हुआ, तंदुरुस्त, बात करते हुए, ये इसलिए पॉसिबल हुआ है, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि परमेश्वर का वो वचन ने हमारा जीवन को बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन में सब कुछ सत्यानाश था, सब कुछ खराब था, लेकिन जिस दिन से ये वचन आया, ये वचन का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस को समझने लगा और वो वचन के अनुसार काम करने लगा, हमारा जीवन बदलने लगा। हालेलुया। ओके, एक बार फिर से हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, ध्यान देके सुनना। सिस्टर जी पढ़ेगी और आप सब कोई सिस्टर के पीछे पीछे दोहराएंगे। नीति वचन, कैन यू गो टू प्रोवर्ब्स, नीति वचन 18:21। ब्रदर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए। नीति वचन ओल्ड टेस्टमेंट में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन 18:21 प्रोवर्ब्स। ओके, आई विल रीड इट। जस्ट ब्रिंग वन चेयर। सबको एक साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीप के वश में, जोर से, खाना नहीं खा के आया क्या? खाना नहीं खा के आए आप लोग? खा के आए ना तो थोड़ा दम लगाओ, जोर से बात करो। झगड़ा करता है तो कैसा बात करता है? ऐसा करके झगड़ा करता है, कैसे झगड़ा करता है? जोर से झगड़ा करते हैं ना। अभी दिखाओ, चलो दम, चलो एक साथ बोलेंगे। जीव में है मृत्यु और जीवन, जीव में है मृत्यु और जीवन, और जो उसे किसका फल खाएगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन और मृत्यु, बोलो, जीवन और मृत्यु वचन के अनुसार कहां पे है? कहां पे है बच्चों? किसी ने सही जवाब दिया, बोलो बोलो कहां पे है सिस्टर? जीवन और मृत्यु कहां पे है? आप लोगों का पास में जीभ है? हाँ, दिखाओ। कोई ऐसे दिखा रहा? अरे ठीक से दिखाओ। दांत है? दांत दिख रहा मेरे को, आप सबको का दांत दिख रहा। जीभ है कि नहीं? दिखाओ जीभ, आप जीभ दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको, एक बच्चा लोगों के पास में जीभ है, बड़ा लोगों के पास में नहीं है। जीभ दिखाओ, चलो जल्दी जीभ दिखाओ। जीभ है ना? हाँ, तो सब एक साथ बोलो, मेरे जीभ में है जीवन और मृत्यु। अभी जीवन का मतलब क्या होता है?
जीवन का मतलब क्या होता है? जिंदा। हालेलुया। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब समझ में आता है? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता है, ठीक है। अभी मान लो एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है। अभी वो पौधा का जो पूरा पत्ता सब है वो पीला हो गया है और कोई कोई पत्ता ब्राउन कलर का हो गया है। ब्राउन, समझते हैं, ब्राउन, पीला ब्राउन कलर का हो गया। अभी वो पौधा जो है वो कैसा दिखता है? उसमें जीवन है कि मृत्यु है? मृत्यु है ना। अभी वही पौधा का पत्ता, सब पत्ता उसका, सब डाली अगर हरा 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 हो गया है तो वो क्या दिखता है? जीवन। उसी तरह से जब मेरा जिंदगी में, मेरा जीवन में हम चंगा है, हम तरक्की कर रहा है, हम दूसरा का जीवन में हम आशीष का कारण बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जीवन। समझ में? और जो व्यक्ति का जिंदगी में बीमारी है, ठीक है, हर तरह का तकलीफ है, उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। समझ में आया बच्चा लोगों को? हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप लोग एक 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 एग्जांपल सुनो, ठीक है। आप लोग कभी अपना खुद का परिवार में या किसी आप लोगों का जो कम्युनिटी है वहाँ पे कभी देखा है कोई एक ऐसा परिवार है जिसका जिंदगी में तरक्की ही तरक्की हो रहा है? सुना है, देखा है? हाँ, सब चीज में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, नौकरी में अच्छा है, जमीन जायदाद है, उन लोगों का तबीयत भी एकदम तंदुरुस्त रहता है, अच्छा रहता है, बीमार नहीं पड़ता है। और एक ऐसा परिवार है जहाँ पे सब कुछ खराबी है, तकलीफ में है, वो लोग कर्जा में डूबा है, तबीयत खराब है, पढ़ाई में कमजोर है, नौकरी नहीं है। ऐसा देखा है कभी? देखा है ना। तो कभी ऐसा मन में सोच आया है कि क्यों ऐसा है कि वो लोग हमेशा अच्छा है और हम लोगों का जीवन में तकलीफ है? मेरे को तो बहुत बार ऐसा ख्याल आया। जब हम फेल हो जाते थे हर क्लास में और मेरे सब साथी जो है क्लास में जो पढ़ते वो लोग आगे चले जाते थे, आगे क्लास में बढ़ जाते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी ये लोग कैसे पास हो जाते हैं और मैं क्यों ऐसे फेल हो जाती हूँ। हालेलुया। लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि जीवन और मृत्यु वो मेरा जीव का वश में है। हम हमेशा ये सोचते थे कि हर जीवन में, मेरा जीवन में जो भलाई है, जो बुराई है, वो सब कुछ परमेश्वर का हाथ में है, क्योंकि मेरे को ऐसे ही सिखाया गया था। कि तुम्हारा जीवन में अगर तकलीफ है, तुम्हारा जीवन में अगर परेशानी है, वो इसलिए है क्योंकि तुमने पाप किया है और तुमसे परमेश्वर नाराज है, इसी के लिए परमेश्वर तुमको सजा दिया है। क्या किसी ने, आप लोगों में से किसी ने ऐसा सोचा है? सोचा है? आता है मन में ख्याल? आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरा भी वही सोच था जब मैंने ये वचन सुना कि प्रभु कहता है जीवन और मृत्यु मेरा जीव का वश में है, परमेश्वर का हाथ में नहीं है। उस टाइम से मैंने सोचना चालू किया कि मैंने जिंदगी भर हमेशा अपना मुंह से हमेशा नेगेटिव बात बोला है। मैंने हमेशा अपना मुंह खोल के, जब भी, अभी मान लो मैं आपसे पूछूंगी आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का जवाब क्या आएगा? बोलो बोलो जोर से। अच्छा।
पूछा जाता था ना, कोई मेरे से पूछता था कि आप कैसे हैं, मैं उन लोगों को बोलती थी मेरा तबीयत खराब है, हम अच्छा नहीं हैं, मेरा तबीयत खराब है, हम पढ़ाई में कमजोर है, हम फेल हो गया है। ये मेरा मुंह से शब्द निकलता था। अभी ये जो मेरा मुंह से शब्द निकला, क्या वो जीवन लेके आएगा या मृत्यु लेके आएगा? क्या लेके आएगा? मृत्यु लेके आएगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा शरीर कमजोर है, मेरा तबीयत खराब है, मैं फेल हो जाती हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ वो सामर्थ, वो पावर जो मेरा जीभ में है, उसको मैं क्या कर रही हूँ? बाहर छोड़ रही हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो पहली बार मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को मेरा जीवन बदलना है तो सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को परमेश्वर का वचन के अनुसार मेरा सोच को और मेरा शब्द को बदलना है। बहुत कोई सोचता है सिर्फ प्रार्थना करेगा तो काम हो जाएगा। हम प्रार्थना तो करता है, लेकिन परमेश्वर जब मैं हमको बोलता है कि थोड़ा करेक्शन भी करना है, थोड़ा जो गलती कर रहा है उसको सुधारना भी है। अगर हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे और गलती को सुधारेंगे नहीं तो हमारा जीवन बदलेगा? आप लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, हालेलुया, सबको एक साथ जोर से बोलो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थोड़ा और जोर से, जोर से, वेरी गुड। आप लोगों ने यहाँ पे कॉफी बनाता है? नहीं बनाता है? चाय बनाता है? हालेलुया। सिस्टर यहाँ पे चाय बनता है सबका घर में? ज्यादा नहीं, पेप्सी पीता है। ज्यादा नहीं, पेप्सी पीता है। हालेलुया। अच्छा अच्छा, चलो चलो, मान लो हम आपका घर आता है, ठीक है बच्चे लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, हम आपका घर आता है और हम आपको बोलते हैं कि मेरे को एक कप चाय देना और मेरे को चाय मीठा चाहिए। आप जाते हैं किचन में, चाय लेके आता है, हम एक सिप मारते हैं वो चाय का और बोलते हैं अरे रे चाय फीका है, थोड़ा इसमें इसको थोड़ा मीठा करके आओ। तो अभी आप जाता है वापस किचन में, अभी चाय में क्या मिलाएगा जिससे मीठा होगा चाय? चीनी मिलाने से मीठा होता है। अभी आप लोग क्या मिलाएगा चाय में, क्या मिलाएगा? दूध मिलाना पड़ेगा। दूध मिलाने से मीठा होता है? बाप रे, तो बहुत खतरनाक चाय बनाता है आप लोग, बहुत खतरनाक है तो। अच्छा अच्छा, सुनो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुनो मेरे बहनों और मेरे भाई लोग, हेलो, यहां देखने का है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर का वचन में नहीं है और आपका ध्यान इधर उधर भटका है तो यकीन मान लो आप यहां पे दिन भर बैठे रहो लेकिन आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। समस्या जो परेशानी है वही का वही रहेगा और बढ़ता जाएगा। तो ध्यान इधर उधर करने के बजाय जो प्रभु का वचन सिखा रहा है उसको सुनना है। हालेलुया। अभी वापस सवाल पे, मेरे को चाय मीठा चाहिए, आप क्या मिलाएगा चाय में? चाय में चीनी मिलाने से मीठा होता है, कौन बोला आपको?
क्या बोला ये भाई, क्या बोला? नमक मिलाने से मीठा होता है? हे भगवान, हम पहली बार अपना जिंदगी में सुन रहे हैं नमक मिलाने से चाय मीठा होता है। हालेलुया। मान लो आप चाय में चीनी मिलाया। ध्यान से सुनो, मान लो आप लोग चाय में चीनी मिलाया। चीनी मिलाने का बाद क्या आप लोग खड़ा होके वो कप को सामने में रख के ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता और बोलता, हे भगवान चाय को मीठा कर देना, हे भगवान चाय को मीठा कर देना, ऐसा बोलता है क्या? जोर से बोलो हाँ कि नहीं। प्रार्थना करता है? इधर आ जाओ मेरे ब्रदर, आ जाओ। इसका फोटो निकालेगा, बराबर फोटो निकाल के इसको डालेगा पेपर में। आ जा, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है ब्रदर। जब आप चाय बनाता है, चाय में चीनी डालता है, तो क्या चाय का सामने खड़ा होके प्रार्थना करता है और बोलता है, हे भगवान ये चाय को मीठा कर दे? हाँ, ये भगवान चाय को चाय से इस बीमार होने मत दीजिए। ये भाई बोलता है चाय जो हम पिएगा उससे हमको बीमार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलता है कि इसको मीठा कर दो, है ना? नहीं बोलता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि चाय में अगर चीनी मिलाएगा तो चीनी मीठा ही होगा, मालूम है ना? मालूम है। हालेलुया, थैंक यू। सुनो आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको जानकारी है कि अगर हम चाय में चीनी मिलाएगा तो चीनी से चाय मीठा होगा, मेरे को प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है कि प्रभु ये चीनी में जो मिक्स किया, ये चाय जो बनाया है, इसको मीठा कर दो, क्योंकि आपको मालूम है चीनी डालने से चाय मीठा ही होगा, कड़वा नहीं होगा, फीका नहीं होगा। उसी तरह से जब आप परमेश्वर का वचन को लेता है, ठीक है, जब आप परमेश्वर का वचन को लेता है और परमेश्वर ने जो कहा है उस पर विश्वास करता है और वो वचन के अनुसार जब आप बात करता है, तो आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करना है कि जो प्रभु ने बोला है वो आपके लिए हो गया है और आपके लिए वैसा ही होगा। समझ में आए? तो प्रार्थना कब करना है? परमेश्वर हम लोगों को ये नहीं बोलता है प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना क्या के लिए करना है? प्रार्थना ये करना है, परमेश्वर को ये बोलना है, परमेश्वर मेरा आपसे एक प्रार्थना है कि जो आपका वचन में लिखा है उस पर मेरे को विश्वास करने के लिए मदद कर। समझ में आया फरक? समझ में आया? अगर आप प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को बोल रहा है, प्रभु मेरे को चंगा कर दो, प्रभु मेरे को ये दे दो, प्रभु मेरे को वो दे दो, प्रभु बोलता है कि ये प्रार्थना का सिस्टम गलत है। आप अगर प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है प्रभु आप मेरे को चंगा करो, ओके, एक एग्जांपल देता है, ठीक है, एक एग्जांपल देता है जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग चाय में चीनी मिलाने का बावजूद भी आप लोग खड़ा होकर प्रार्थना करता है और बोलता है प्रभु ये चाय को मीठा कर दो। बताए कि नहीं? हालेलुया, दोनों सिस्टर चले गई।
इन लोगों को हम लोग इन लोगों को मैं इनके ऊपर डिपेंड कर रही थी कि ये लोग मेरे लिए वचन पढ़ेंगे। दोनों के दोनों सिस्टर गायब। हालेलुया। बट वो लोग काम भी कर रहे हैं, इसी के लिए हम उन लोगों को क्षमा करेंगे। करेंगे करेंगे, क्योंकि अगर उन लोगों को क्षमा नहीं किया, प्रभु बोलता अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं किया तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा चाहिए। हालेलुया। अच्छा, सब एक साथ बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी एक साथ वचन बोलेंगे, ठीक है? अभी देखो, हम आपको साबित करके दिखाएगा कि आप लोग चाय में चीनी मिलाने का बावजूद भी खड़ा होकर प्रार्थना करता है और बोलता है प्रभु चीनी मिला हुआ चाय को भी मीठा कर दो। एक साथ बोलेंगे, ठीक है? वह आप ही हमारे पापों को अपना शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा। कौन हम कौन किसका पाप को लिया? कौन किसका पाप को लिया? आ जोर से बोलो। वाह, जिसने भी वो आंसर बोला ना, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। हमारा पापों को प्रभु यीशु ने अपना ऊपर लिया, और अपना ऊपर लेके कहाँ चढ़ गया? छत पे। कोई बोला छत पे? हालेलुया। कहाँ चढ़ा? क्रूस पर, क्रूस पर चढ़ गया। समझ में आया यहाँ तक? क्या क्या प्रभु यीशु ने अपना पाप को लिया या हमारा पाप को लिया? पाप कौन किया था? हम लोग किया था। पाप का भार, उसका बोझ किसको उठाना था? प्रभु यीशु को उठाना पड़ा, क्योंकि हम लोग से नहीं उठा, है ना? तो प्रभु यीशु हमारे पाप को अपना शरीर पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया, जिससे थोड़ा दम लगाओ, दम लगाओ। खाना खाया ना? बोलो फिर से। जिससे हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से, फिर से बोलो, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। कौन मार खाया क्रूस पर? और चंगा कौन हुआ? मार खाया यीशु ने और चंगा कौन हुआ? फिर से बोलो, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। चंगे हुए, चंगे हुए का मतलब क्या है? फिर से बोलो, चंगे हुए का मतलब? और लास्ट बेंच में जो सिस्टर लोग बैठे हैं, चंगा हुए का मतलब? जोर से बोलो, चंगा हो गया। फर्क है इसमें? फर्क है? यहाँ कितना लोग नौकरी करता है? हाथ खड़ा करो। नौकरी करता है? नौकरी करता है, हाथ खड़ा करो। हाथ, शर्माने का बात नहीं है, अच्छा काम है। शर्माने का बात नहीं है, मैंने नहीं पूछा कोई मर्डर करता है कि नहीं। नौकरी करता है? अरे जो भी नौकरी करता है, करता है ना? हाँ, अभी नौकरी करने का बाद में आपको तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है? हाँ मिलता है ना? तो जब सैलरी मिलता है तो सैलरी मिलने का बाद में आप थैंक यू बोलता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, सुनो सुनो, प्रभु का वचन बोलता है कि
जो घाव हुआ, जिसका जो मार वो खाया, वो मार खाने से हम लोग हर बीमारी से चंगा हो गया है। होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है, हो गया है। सब एक साथ बोलो, यीशु के मार खाने से हम चंगा हो गया है, होने वाला नहीं है। फिर से बोलो, होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है, हम चंगा हो गया है। लेकिन हम लोगों का प्रार्थना जब परमेश्वर के पास जाता है तो हम लोग क्या बोलता है, प्रभु हम लोगों को चंगा कर दिया है या फिर कर हम लोगों को चंगाई दे दो। क्या है हम लोगों का प्रार्थना, चंगाई दे दो। तो अगर जो इंसान, जो आदमी परमेश्वर को प्रार्थना करता है और कहता है कि परमेश्वर हमको चंगा कर दो, क्या वो आदमी सही प्रार्थना कर रहा है, सही प्रार्थना कर रहा है? देखो, सही प्रार्थना और गलत प्रार्थना में फर्क क्या है? सही प्रार्थना और गलत प्रार्थना में फर्क ये है कि जब जब आप परमेश्वर का वचन के अनुसार बात करता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार सोचता है, उसको बोलता है सही प्रार्थना। लेकिन जब जब आप परमेश्वर का वचन का खिलाफ बोलता है, जैसे एग्जाम्पल प्रभु यीशु ने कहा पहला पत्रस 2:24 में कि यीशु का मार खाने से हम सब चंगा हो गया है। तो जब परमेश्वर बोलता है कि तुम चंगा हो गया है जो शरीर में मेरे मैंने मार खाया है उसके कारण, और जब आप जाके यीशु को बोलता है प्रभु मेरे को चंगा कर दो, प्रभु मेरे को चंगा कर दो, प्रभु के लिए वो गलत प्रार्थना है। समझ में आ रहा है? अभी एक चेक मारो अपना लाइफ में, अपना जिंदगी में, हम लोग कितना बार परमेश्वर का वचन का अनुसार प्रार्थना करता है और कितना बार अपना मन से प्रार्थना करता है, कौन सा ज्यादा है, अपना मन से प्रार्थना करना या फिर वचन के अनुसार प्रार्थना करना, कौन सा हम लोग ज्यादा करता है? हम लोग अपना मन का ज्यादा करता है। और हम लोग अगर अपना मन का ज्यादा करेगा, क्योंकि ये मन में जो सोच आता है वो सोच परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है। मेरा मन बोलेगा कि तुम्हारा शरीर में दर्द है, तुम्हारा शरीर में दर्द है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम चंगा हो गया है। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, बोला। तो क्या परमेश्वर ने बोला कि तुम खाली पेट दर्द से चंगा हुआ, ऐसा तो नहीं लिखा है? हर बीमारी से उसने चंगा दिया है, हर बीमारी से चंगाई दिया है, सर्दी से चंगाई दिया है, खांसी से दिया है, कैंसर से दिया है, टीबी से दिया है, हर प्रकार का जो एलर्जी होता है उससे चंगाई दिया है, हर बीमारी का, चाहे आपको उसका नाम पता हो या नहीं पता हो, उससे परमेश्वर ने चंगाई दिया है। हालेलुया। आपको मेरा पैर दिख रहा है? मेरे ला पैर दिख रहा? खड़ा हो, जिसको नहीं दिख रहा हो खड़ा होके देख लो। अभी आपका हम गांव में आया 2 दिन पहले, आपका गांव में एक प्रकार का कीड़ा है, दमदुम दमदुम डिमडुम, क्या है, क्या बोलता है उसको, दमदुम। हम तो नाम भी नहीं सुना, कभी नहीं सुना, डमडम डमडुम की डिमडम डमडम दमदुम दमदुम दमदुम। अच्छा,
अच्छा अच्छा आप समझो दमदुम। हेलो हालेलुया। मैंने बोला एक दूसरे से बात नहीं करना, मेरे से बात करना। जो एक दूसरे से अपना पड़ोसी से अगर बात किया और हम अगर देख लिया, आपको हम कुर्सी पे खड़ा करवा देगा। खड़ा होना है। हालेलुया। अभी ये दो तीन दिन पहले जब हम अरुणाचल में आया तो ये कीड़ा दमदुम ये मेरे को काटा। लाशिम समझा। अभी वो कीड़ा मेरे को नाम तो कभी सुना नहीं, कभी देखा भी नहीं, और काटने से क्या होता ये भी नहीं मालूम था। लेकिन वो काटा मेरे को इधर पैर में, मेरा पैर से खून निकलने लगा। दाग दिख रहा? मेरा पैर से खून निकलने लगा और थोड़ा देर बाद पूरा का पूरा पैर फूल गया। हालेलुया। कितना मुस्कुरा रहा है। दूसरा को तकलीफ होने से आप लोग मुस्कुराता है, दूसरा का दर्द होने से आप लोग को मुस्कुराता है। थोड़ा भी दया नहीं है ना मेरे ऊपर में। हालेलुया। अभी जब वो मेरे को कीड़ा काटा और खून निकलने लगा और पैर पूरा का पूरा फूल गया, सूज गया, पूरा दर्द दे रहा है, क्या अभी पर अभी मेरे को मेरा पैर बोल रहा है कि तुम ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। हम लोग सुबह से शाम तक खड़ा होके प्रवचन कर रहा है, पैर फूला हुआ है, दर्द कर रहा है। मेरा पैर मेरे को बोल रहा है कि तुम जाके बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो पैर फूलेगा, खून जो था वो पूरा जम गया, काला हो गया, वो जगह खून जम गया। अभी मेरा मन बोलता है, मेरा मन बोल रहा है, मेरा पैर बोल रहा है दर्द दे रहा है, बैठ जाओ, प्रवचन मत करो, आराम करो। मन बोलता है बैठ जाओ, शरीर बोलता है आराम करो। लेकिन परमेश्वर का अभी अभी ये दो में हम लोग किसका बात सुनेगा? जो पैर बोल रहा है उसका बात सुनेगा ना? कमर में दर्द दे रहा है, आज गिरजा नहीं जाएगा, चर्च नहीं जाएगा, आज घर में आराम करेगा। सर दर्द दे रहा है, आज थोड़ी छुट्टी मारेगा, हर संडे तो जाता है, आज एक दिन नहीं जाएगा, तबीयत ठीक नहीं, घर में रहेगा। ये है मेरा सोच, ये है मेरा मन मेरे से बात कर रहा है। अभी परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह मेरा सब पाप को लेके अपना शरीर में क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पे वो मार खाया, और उसका मार खाने से हम चंगा हो गया। हो गया या होने वाला है? अभी आंख से दिखता है, पैर फूला है, दर्द है, खून जम गया है, लेकिन वचन बोलता है कि तुम्हारा पैर बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल चंगा है, क्योंकि वो जो काटा है, वो जो जहर अंदर गया है, वो जो फूल गया है पैर और खून जो सूज गया, जो दर्द तुमको हो रहा है, वो सब को यीशु मसीह ने अपना शरीर पर लिया है। और वो जो चोट खाया अपना शरीर में, वो चोट का वजह से, वो मार खाने का वजह से तुमको ये कीड़ा का जो असर है, ये जो कीड़ा काटा है, उससे तुमको चंगाई दे दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे को चंगाई दिख रहा मेरा पैर में? चंगाई दिख रहा आपको? दाग दिख रहा? दिख रहा कि नहीं? सूजन दिख रहा? ये बहुत कम है। आज दो दिन पहले फूला हुआ था। जिसको जिसको देखना है ना मेरे पास आना, मैंने फोटो निकाला है। अभी मेरा आंख मेरे को बोलता है, मेरा शरीर मेरे को बोलता है कि तुम्हारा पैर में दर्द है, तुम्हारा पैर फूला हुआ है, लेकिन वचन बोलता है कि तुम चंगा है। वचन क्या बोलता है? जोर से बोलो, तुम चंगा है। अभी हम किसका बात सुनेगा? हम किसका बात सुनेगा? क्या प्रभु ने, क्या
एक बार भी झूठ बोला? हाँ कि नहीं? एक बार भी झूठ बोला? हमेशा सच बोला? हाँ अभी क्या हमने कभी झूठ बोला? ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोला, ये सबसे बड़ा झूठ है। सब कोई फादर के पास जाओ कन्फेशन करने। हालेलुया। हम लोग ने झूठ बोला है ना? अभी आप किसका बात का विश्वास करेगा? वो व्यक्ति का बात का विश्वास करेगा जिसने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, जब जब अपना मुंह खोला सच बोला। या फिर आप उसका विश्वास करेगा, वो व्यक्ति का बात विश्वास करेगा जो हमेशा झूठ बोलता है। किसका बात मानेगा? किसका बात मानेगा? प्रभु का। अभी जब मेरा पैर दर्द देने लगा, मेरा मुंह से शब्द क्या निकलना चाहिए? दर्द दे रहा है, चुभ रहा है, गड़ रहा है, तकलीफ हो रहा है ना? लेकिन वचन क्या बोलता है? जीवन और मृत्यु किसका वश में है? मेरा जीव का वश में है। तो अगर हम अपना जुबान से, अपना जीव से हम ये बोलता है, अपना मुंह से हम ये बोलता है कि मेरे को दर्द दे रहा है, मेरे को तकलीफ है, मेरा पैर फूला हुआ है, क्या हम जीवन बोल रहा है या मृत्यु बोल रहा है? मृत्यु बोल रहा है। तो हमने क्या किया? मैंने ये वचन को लिया और अपना मुंह में डाला और बोलने लगा, प्रभु मेरे को वो सूजन नहीं दिखता है, मेरे को वो दर्द नहीं महसूस होता है, क्योंकि आपने बोला कि आपका मार खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मैं दिन भर खड़े होके पूछूं, वो फादर विटनेस है, उसने देखा है। हम लोग जब से आए हैं तब से खड़े होकर हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी मेरा ध्यान वो दर्द पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो प्रभु ने कहा है वो सच है। प्रभु ने कहा कि तुम चंगा हो गया है, तो मैं विश्वास करूंगी कि मैं चंगी हो गई हूँ। चाहे मेरे को जो भी दर्द तकलीफ जो भी दिखता है, लेकिन मैं अपना मुंह खोल के ये नहीं बोलूँगी कि मैं बीमार हूँ, मेरे को ये दर्द है, मेरे को ये तकलीफ है। मैं वो बोलूँगी जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जैसे 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 परमेश्वर का वचन बोलती गई, प्रभु यीशु आपके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, पैर का जो सूजन था वो कम हो गया है और दर्द भी पूरा का पूरा चला गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है? समस्या को कैसे बदलते हैं, समझ में आया? सब एक साथ बोलो, प्रभु यीशु जीवन और मृत्यु मेरा जीव का वश में है। आज से हम विश्वास करेंगे जो आपका वचन बोलता है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनो, किस किस को आपका शरीर में, आपका बॉडी में किसी भी तरह का दर्द है, खड़ा हो जाओ, अपना अपना जगह में खड़ा हो जाओ। किसी को शरीर में दर्द है, किसी भी प्रकार का, कैसा भी, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, जो भी तरह का है, खड़ा हो जाओ सब। जिसको दर्द है, हालेलुया। मैंने बात करने को नहीं बोला, मैंने खड़ा होने को बोला। मैंने बात करने को नहीं बोला, खड़ा होने को बोला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी आपके शरीर में दर्द महसूस हो रहा है ब्रदर? आपको आपका शरीर में दर्द महसूस हो रहा है? पीठ में दर्द है आपको? ग्रेट ग्रे शर्ट। पैर में दर्द हो रहा है, महसूस होता है, दर्द दे रहा है, झिन झिन कर रहा है? वेरी गुड। हालेलुया। अभी हम लोगों ने सीखा, प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस 1:24 में कि यीशु का मार खाने से हम चंगा हो गया। वेरी गुड, फिर से बोलो, हम चंगा हो गया है। अब
हम लोग अपना प्रार्थना को थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। हम लोग कोई भी खड़ा होकर ये प्रार्थना नहीं करेगा कि प्रभु हम लोगों को चंगा करो, हम लोग सिर्फ जो प्रभु ने वचन में कहा है उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सब कोई अपना आँख को बंद करेंगे, आँखों को बंद करो, सब कोई अपना आँख को बंद करो और मेरे साथ में बोलो, यीशु मसीह का मार खाने के द्वारा हम चंगा हो गया है। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। जिसका जिसका पैर में जो दर्द था, ब्रदर आपका पैर में दर्द था, झुनझुन हो रहा था, अभी चेक करो, झुनझुनी चला गया, चला गया, चला गया, नहीं अच्छा हो रहा है, ना हो गया, करा हो गया तो तेरा अच्छा हो गया। चलो बैठ जाओ। जिसका जिसका शरीर में जो दर्द था और जिसका जिसका चला गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिसका जिसका दर्द चला गया, बैठ जाओ। जिसका नहीं वो खराब हो गया, बैठ जाओ। जिसका दर्द चला गया, बैठ जाओ। जिसका दर्द नहीं गया वो खड़ा रहो। ये बहन ऐसा करके बैठी, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका दर्द गया कि नहीं गया, खड़ा रहे कि बैठे जाए। गया दर्द कि है, दर्द है हाँ आपको, थोड़ा ठीक है, दर्द है, थोड़ा दर्द है, अभी नहीं है, बोलता ना सुबह सुबह, ये त्राचा हो गया, सुबह था अभी नहीं है, हां सुबह अभी। हालेलुया, हालेलुया, बैठ जा। जो जो खड़ा है और जिसका दर्द है, सब आंखों को बंद करो, फिर से आंख बंद करो और सुनो ध्यान से सुनो। जब आप अपना मुंह खोल के वो प्रार्थना को कर रहा है, वो वचन को बोल रहा है, सब कोई अपना आँख को बंद करके यीशु को क्रूस में मार खाते हुए सोचो। आपका पाप का वजह से उसको मार पड़ रहा है, आपका पाप का वजह से उसका शरीर को चोट मिल रहा है, आपका पाप का वजह से उसका हाथ को छेदा जा रहा है, ये सब अपना मन में सोचो, आँख को बंद करो सब कोई। चलो एक साथ बोलो, यीशु के मार खाने से हम चंगा हो गया है। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। सब लोग जो पीछे हैं, एक जोर से बोलिए, यीशु के मार खाने से
दर्द था, सब कोई का दर्द पूरा चला गया। हाथ का दर्द चला गया, चला गया पूरा। जिसका जिसका दर्द था बैठ, दर्द था जिसका चला गया, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ओ बस, ओ बस, ओ बस, चलिए। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 नहीं, ऐसा हाँ अभी बोली, यीशु के मार खाने से, यीशु को मार खाने से, चलो चलो मैं चंगा हो गया हूँ। थैंक यू जीसस, चलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो जो सिस्टर है, ये जो सिस्टर है, वो सिस्टर वाइट स्कार्फ जो पहना है, आपको पैर में दर्द था? हिंदी बात करते समझता है? आइए इधर, आ जाओ। आपका पैर में दर्द था? दर्द था बहुत दिन से दर्द था। एक साल होने वाला है, एक साल होने वाला है। जब भी आप वहाँ पे बोल रहा था, प्रभु यीशु का मार खाने से हम चंगा हो गया था, हम चंगा हो गया है, क्या हो रहा था आपको? मार खाने से हम चंगा हो गया। हाँ, अभी आप ये बोल रहा था ना वहाँ पे, आपका घुटना में दर्द था, पैर में, अभी चेक करके देखो कहाँ गया, ये चला गया। थोड़ा से अभी इतना ज्यादा दर्द था, जैसे जैसे बोलना चालू किया दर्द कम हो गया। हाँ, अभी जो थोड़ा से दर्द है ना, उसको भी भागना है, ठीक है? तो आँख को बंद करो और बोलो, यीशु का मार खाने से हम चंगा हो गया। बोलते जाओ, इसका मार खाने से हम चंगा हो गया। यीशु का मार खाने से हम चंगा हो गया। दर्द से चंगा हो गया। तो अभी वो जो थोड़ा थोड़ा दर्द था चला गया पूरा गया, चला गया। चल के दिखाओ, तो जल्दी से चल के दिखाओ, वहाँ तक जाके वापस आके दिखाओ। वहाँ में हाँ, जल्दी एक साल से कभी ऐसा इतना जल्दी से चला नहीं चला था। आस्ते आस्ते चलता था। आज जोर से चला, दर्द जो था चला गया, पूरा चला गया ना। अभी हम लोग आपको क्या सिखाया, जीवन और मृत्यु कहाँ पे है हमारा दिखा दो, जीत दिखा दो, हमारा जीत में है, जीत में है, चंगाई हमारा जीत में है ना, है ना। अभी जो हम लोग सिखाया, अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेगा, रोज 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 बोलते रहेगा, ये दर्द कभी मुंह उठा के नहीं आएगा वापस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुश्किल था कि आसान था? हालेलुया, मुश्किल था कि आसान?
ये बच्चा लोग जो है यहाँ पे, आप लोग देखा क्या हुआ अभी, देखा ना? तो जो वो लोग बोल रहा है वो सेम वचन को जब आप लोग बोलता है अपना मुंह से, यीशु का घाव से, यीशु का मार खाने से हम चंगा हो गया है। आपको पेट दर्द होता है ना, पेट दर्द देता है ना ज़्यादा चॉकलेट खा लेने से, हाँ दांत दर्द, जो भी तकलीफ होगा उससे चंगाई मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे सीखना है, वापस आके लंच पका बाद सीखना है, जिसको जिसको सीखना है जोर से बोलो हालेलुया। जिसको जिसको वापस आके सीखना है जोर से बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, सबको सीखना है, सबको सीखना है। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। फादर यू कम कम कम, सब कोई खड़े हो जाएंगे, एक साथ बोलेंगे हम सब। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, आपका ये रहस्य सिखाने के लिए, आपका ये रहस्य सिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए, और इसलिए आपने, आपने हमारे लिए, हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह, यीशु मसीह हमें दे दिया, हमें दे दिया, ताकि हम उससे, ताकि हम उससे उसके द्वारा, उसके द्वारा आपके, आपके दिए गए, आपके दिए गए हर आशीषों को, हर आशीषों को प्राप्त कर सके, प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, जो आत्मिक भोजन, जो आत्मिक भोजन आप हम लोगों को खिला रहे हैं, आप हम लोगों को खिला रहे हैं, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक भोजन के लिए भी, बल्कि शारीरिक भोजन के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे आत्मिक और शारीरिक भोजन को आशीषित किया है, और खास करके उन हाथों को जिन हाथों ने हमारे लिए आज भोजन बनाया है उनके लिए भी आपने अपने आशीषों को बरसाया है। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे आत्मिक भूख को और बढ़ाइए, ताकि हम आपका वचन सीखकर, आपका वचन खाकर अपना जीवन बदल सके। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन, हालेलुया।